हाउ यू फीलिंग? मेरे को मंथा आग लगे हे भगवान, हे भगवान प्लेस में बोल रहे थे तो मंथा आग लगे यहाँ पर हे भगवान। आदर्श को जो करना है करके ही रहेगा भैया, किंडलिंग लगा के ही रहेगा आदर्श को। ओके फाइनली नानी को बुला रहा था यहाँ नानी। सर्दियों में ये होता था, अरे तसले में लकड़ जला लो, अरे ये कर लो, अरे वो कर लो, यहाँ जल रही होती है लगा लगा के आंखों में पानी आ जाता है, कभी जल रही है कभी नहीं जल रही हो। और विशु को लेके जो बैठते थे वो बेचारा करते रहता था उसके चक्कर में, चक्कर में चक्कर। मैं कहूंगा आप लोगों की जनरेशन जो है ना, आप लोगों ने ये सब डील किया है तो फर्स्ट टाइम आप लोगों को आदत है बहुत कि लॉग्स कोयला ये लकड़ जलाओ जलाओ अंगीठी जलाने में क्या कसर होती थी सुबह सुबह नानी, आप यहाँ की तो बात नहीं थी तो हम बहुत छोटे थे, अंगीठी को जलाना एक टास्क होता था और कम से कम सोर्स रिसोर्सेज में क्या कागज होता था, अंगीठी होती है जैसे उसके नीचे ना ये लोहे की जाली होती है, एक जाली होती है राख निकलने के लिए, उसमें से राख नीचे निकल जाती है तो छोटी सी जगह उसमें से राख भर जाती है तो निकाल लेते हैं, जाली होती थी उसके ऊपर अंगीठी लगानी होती। अब क्या करना होता था उसको जलाना होता था, ये तो कच्चा कोयला है, ये कच्चा कोयला है ना, हमने थोड़े से लॉग्स काला सा था वो टूट गया था, कच्चा कोयला था, कच्चा कोयला तो बहुत जल जाता था, जो पका हुआ पत्थर की तरह कोयला होता ना उसमें आग बड़ी धीरे धीरे पकड़ती है और वो लंबा नहीं चलता होता था, तभी तो ना सुबह की अंगीठी शाम तक चलती थी, वो सुबह एक बार अंगीठी जला लो ना तो शाम तक वो चलती रहती थी, उसके नीचे से राख निकालते रहो और ऊपर से थोड़े थोड़े कोयले डालते रहो तो धीरे धीरे आग पकड़ के वो लाल लाल रखती थी सबका। हम उसको जला के कैसे थे, कागज लिया जैसे उसके अंदर जो उसकी राख होती है ना उसको रखा, उसमें मिट्टी का तेल केरोसिन डाला तो मिट्टी का राख तो जलेगी, राख कैसे जलेगी, बट जब वो मिट्टी का तेल जल जाता तो मिट्टी का तेल आग पकड़ता था, बट राख का जलता थोड़ी देर तक जलता था, मिट्टी का तेल तो एकदम से जल जाएगा, वो राख रखते थे थोड़ी सी उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला थोड़ा सा दो चार चम्मच जितना और उसको आग लगा दी, उसके बाद जैसे इसमें पतली पतली लकड़ है उसको ऐसे आड़ा टेढ़ा करके उसको फिट किया, मतलब वो बीच में से आग जलती है वो लकड़ को आड़ा टेढ़ा फिट किया, फिर उसके बाद में एक कैरी बनती थी, कैरी पहले के लोगों को पता होगा कि कैरी कैसे बनती थी, जो राख होती है ना तो राख को फेंकते नहीं थे इकट्ठे करते रहते, उसमें ना छोटे छोटे कोयले के टुकड़े होते थे उसको छन्नी से छानते थे, उसमें से जो छोटे छोटे कोयले होते थे उसको मिट्टी के साथ भिगा के उसके ना छोटे छोटे ऐसे ऐसे हाथ से ऐसे ऐसे जैसे पकौड़े बनाते हैं ना जनरली ऐसे जमीन पे ऐसे बनाते थे, अरे वो जलते थे आदर्श, वो जो तुमने नहीं ग्रे कलर का डाला है वो उसका नाम करता होगा ना, वो तो प्योर वो है डीजल या पेट्रोल जैसा एकदम ज्यादा नहीं थी, वो कैरी होती थी तो कोयला डालने से पहले ना लकड़ के बाद ना वो कैरी के गोले बोलते थे गोले उसको लगाते थे वो आग पकड़ते थे फिर उसके ऊपर वो वाला कोयला डालते थे, मतलब दो घंटे लगे थे उसके बाद वो आग पकड़ती थी और बात इतने काम होते थे ना बेकार के उस टाइम के लोगों के पास, कपड़ा देने का वाइपोर्ड पे कैरी के गोले भूल गई थी मुझे अभी याद आया, बताते बताते याद आया, हां तो क्या थे वो कैरी के गोले जरा बताओ, वही ना छोटे छोटे कोयले के साथ में पता नहीं कौन सी मिट्टी डालते थे यार, कोई मिट्टी होती थी वो ना नहीं थी सी नहीं वो मिट्टी मुझे याद नहीं आ रहा, किसी के साथ मिक्स करते थे और उपले वो गाय के गोबर के उपले वो भी हाँ वो मिट्टी का तेल डालते थे ना उसके ऊपर ऐसे ऐसे बिठा के रखते थे, वो देर तक पकड़ लेना आपको ऐसे छोले से बन जाते हैं, इतना बड़ी जगह में ठंड नहीं लगती।
तो मम्मी अपनी स्टोरी बता रही थी, उस पे इनकम्प्लीट है मेरी। बस वही अंगीठी उठा रात तक जलती थी, सुबह जला लो एक बार तो कहां रख देते हैं, ऐसे ही फायरप्लेस की तरह कहीं भी। अरे किचन में खाना बन रहा है, रोटी बन रही है सुबह से शाम तक। अच्छा उसमें खाना भी बनता है? और वो किसी ने जलाएंगे बेटा, तो पहले खा रहा है अंगीठी। तो आप बोल रहे ना इतना शौक उसमें हाथ फेंकते। अरे पहले अंगीठी खाना बनाने के लिए हर घर में अंगीठी जल रही होती थी सुबह सुबह, खाना बनता था उसके ऊपर। और आप भी सेक रहे हो। हाँ भाई उसपे खाना बनता था, रोटी पूरा खाना, मतलब स्टोव पे गैस पे, उस टाइम नहीं थी गैस बहुत बाद में, स्टोव पे किसी के पास, और जो बहुत थोड़े से वो होते थे वो चूल्हे पे लकड़ जला के बनाते थे, और नहीं तो बाकी तकरीबन लोग सबके पास होती थी और सब अंगीठी जलाते थे। सुबह से शाम तक उसी पे खाना बनता था, ऊपर कोयले डालते रहते थे, नीचे से राख निकालते रहते थे, जलते रहते थे तो हवा खड़े होते थे, पंखा लेके मोमा लगा देते थे, पंखा बंद कर देते थे। हमारे पेरेंट्स और उनकी जनरेशन, मम्मी की जनरेशन वाले जितने लोग होंगे सब कनेक्ट कर रहे हैं बेसिकली, जो सारे टीनेजर्स हैं उनकी जनरेशन के लिए। बट लोग कनेक्ट करेंगे आई थिंक बहुत, मेरे को भी ऐसे नॉस्टैल्जिक नहीं फील हो रहा था ऑब्वियसली आदर्श ऐसा नहीं मैं बोल रहा, बट मेरे पापा भी कभी कभार मुझे ये स्टोरी सुनाते हैं कि अंगीठी और चूल्हा भूल गए, अब मैं याद करनी पड़ती कुछ चीज सुना। अच्छा हां 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 ऐसे करके आती है कुछ याद। तो अब हम तो गाइस दिस वाज टुडेस वीडियो इन आई से आवर फायरप्लेस व्लॉग, फायरी व्लॉग हमारे घर में हमारा पहला वीडियो जिसमें आज हमने अपनी फायरप्लेस को लिट करा है। घर नहीं दिखाया, घर में नहीं दिखाया हमने, इतना मेजर चीज दिखा दिया, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है, बस ऐसी है, बट जल्दी दिखाएंगे, अभी रेडी नहीं हुआ हमारा घर। सो वी कम अप विद न्यू आइडियाज एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द बैचलर कपल। ओके बाय बाय।